तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं Realme Buds Wireless 2 Neo को इस Bose ROG 335 Smart Buds Edition के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊँगी इसके प्राइसिंग के बारे में, जिसका जो रेगुलर प्राइस Realme का एक्चुअली आपको 1600 देखने को मिलेगा और इस बोर्ड का रेगुलर प्राइस भी आपको 1600 देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफर के दौरान ये जो Realme वाला है एक्चुअली आपको 1400 तक देखने को मिलता है और ये एक्चुअली आपको 1300 में मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर आप जो भी प्रोडक्ट्स भी देखते हैं वो मैं खुद से परचेज करता हूँ और आपके लिए ऑनेस्ट वीडियो लेकर आता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले बात करें इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे दोनों में ही आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। IPX4 का रेटिंग यहाँ पे Realme में और IPX5 का रेटिंग यहाँ पे इस बोर्ड ROG 335 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो नॉर्मल वाटर स्प्लैश हो, यहाँ पे अगर आपको स्वेट वगैरह ज़्यादा होता है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। टोटल प्लेबैक टाइम का अगर बताऊँ तो यहाँ पे 17 आवर्स का प्लेबैक टाइम इस Realme में मिलेगा और टोटल यहाँ पे एक्चुअली 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम कंपनी क्लेम करती है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा एक्चुअली बैटरी ड्रेनेज का इशू है जिसके वजह से आपको अराउंड 22 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ इसके जो ड्राइवर साइज़ के बारे में, तो 11.2 mm का ड्राइवर साइज आपको इस Realme में देखने को मिलता है और 10 mm का ड्राइवर साइज आपको इस बोर्ड में देखने को मिलेगा। और हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे इस Realme में आपको AAC तक का यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली क्वालकम APTX HD का आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा इस बोट ROG 335 में। और यहाँ पे मैं बताऊँगा कि इसका म्यूजिक वाइज आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसका एक छोटा सा डेमो में आपको दूंगा और फाइनल वर्डिक्ट में ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करना चाहिए। कॉलिंग के रिलेटेड यहाँ पे एनवायरमेंट नॉइज़ कैंसलेशन आपको इस Realme में देखने को मिलता है और इस बोट ROG 335 में आपको यहाँ पे क्वालकम CBC कॉल आइसोलेशन का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है उसका भी छोटा सा डेमो है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर मीटिंग के लिए अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कौन सा बेहतर रहेगा। और यहाँ पे गेमिंग के रिलेटेड एक्चुअली सुपर लो लेटेंसी मोड आपको इस Realme में मिल जाएगा, 88 मिलीसेकंड का एक्चुअली लो लेटेंसी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा कुछ लो लेटेंसी फीचर आपको देखने को नहीं मिलता है। गेमिंग की परफॉर्मेंस आपको कैसे देखने को मिलेगा उसका भी एक आपको मैं यहाँ पर टेस्ट करके बता दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू माय चैनल डे बाय डे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके जो बिल्ड क्वालिटी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड की ब्रांडिंग और Realme की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक टेक्सचर टाइप का यहाँ देखने को मिलता है और यहाँ पे देखेंगे नेक बैंड के इसी पॉइंट में यहाँ पे थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है बोट में, लेकिन Realme में ये पर्टिकुलर थोड़ा सा मुझे यहाँ पे वीक लगा है। और मैं आपको अगर बताऊँगी इसके जो नेक बैंड की क्वालिटी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सॉफ्ट देखने को मिलता है इस बोट ROG 335 में, लेकिन Realme में आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मतलब स्लाइड इजिली नहीं हो रहा है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट नहीं है। आपको ये बोट ROG ज़्यादा बेटर रहते हैं और थिकनेस भी देख सकते हैं इस बोट ROG 335 में एक्चुअली आपको ज़्यादा थिकनेस अभी देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कुछ इस तरह से आप इसे ईजिली मोल्ड करके मतलब ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, लेकिन Realme के केस में इसको तो आप इस तरह से मोल्ड तो कर सकते हैं लेकिन ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं लगते हैं। हो सकता है कि इसी पॉइंट में यहाँ पे ये आगे जाके टूट जाए। तो अभी अगर हम बात करते हैं इसके जो कंट्रोलर्स के एरिया पे आपको दिखाना चाहूँगा कि आपको इनमें से अगर आप देखेंगे तो इस बोट में एक सेपरेट पावर ऑन ऑफ का स्विच और प्ले पॉज का देखेंगे इधर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही लाइन पे Realme आपको देखने को मिलता है। तो इस पर एक्चुअली प्रॉब्लम होता है कि जब भी अगर आप प्लस या माइनस को प्रेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन जो बीच वाला बटन होता है इसको प्रेस करने के टाइम एक्चुअली आप बाई मिस्टेक लिए प्लस और माइनस को यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस का बटन आपको ऐसे सेपरेट देखने को मिलते हैं, तो आप ईजिली इसको प्रेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्जिंग पोर्ट में आपको यहाँ पर एक कवर देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलेगा। Realme में भी एक्चुअली टाइप सी का आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी कवर आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोनों में ही आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। बोर्ड के इसी एरिया पे एक्चुअली आपको राइट करके यहाँ पे मेंशनड है। वायर की क्वालिटी अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Realme की वायर की क्वालिटी आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये टेंगल फ्री वाला यहाँ पे वायर देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि जो ये ईयरबड्स की डिज़ाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये Realme का ईयरबड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मतलब टिल्टेड टाइप का रहता है। बोर्ड पर एक्चुअली एक ईयर हुक से आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैग्नेटिकल यहाँ पे ऐसे अटैच्ड है, इसको मेटल है और यहाँ पे आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है और ये भी आपको मैग्नेटिकल मिलेगा। डिज़ाइन आप देख सकते हैं बोर्ड का कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और Realme में आपको कुछ इस तरह से डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलता है।
इस रियल मी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टिल्टेड टाइप का देखने को मिला, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। बोट इतना मतलब अनकंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर रियल मी थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी पॉइंट में आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है ये जो प्रोटेक्शन के हिसाब से, लेकिन बोट में एक्चुअली आप देख सकते हैं एक प्रॉपर प्रोटेक्शन आपको इसी एरिया पर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो ड्यूरेबिलिटी और भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ जाता है। ईयर टिप के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बोट में ऐसा आपको देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मुझे इस रियलमी का लगा है। तो ईयर टिप के दोनों ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा आपको रियलमी का बेटर लगेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में बोलूँगा तो इस बोट का बिल्ड क्वालिटी मुझे ज़्यादा पसंद आया है, रियलमी का जो बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से मुझे इतना जस्टिफाइड नहीं लगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो म्यूजिक है और कॉल क्वालिटी है और गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलता है उसका एक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नॉन कॉपीराइट वाले सॉन्ग के यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको हिंदी सॉन्ग में इसका आउटपुट जानना है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मेरा जो IGTV में इसका जो हिंदी सॉन्ग आउटपुट चेक कर सकते हैं। अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी Realme Bird Wireless 2 Neo से मिल रहा है। यहाँ पे एनवायरमेंट नॉइज कैंसिलेशन का यूज किया गया है। मेरा जो फैन है मैं मिड स्पीड में रखा होता है कि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसी नेक बैंड का यूज करके किसी को कॉल करते हैं जो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। और अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं ये आवाज आपको इसी बोट रॉकर्स 335 से मिल रहा है, और यहाँ पे क्वालकॉम CBC कॉल आइसोलेशन का यूज किया गया है। यहाँ पे जो फैन है मैं मीडियम स्पीड में रखा हूँ ताकि बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत नॉइज हो, और उसी दौरान अगर आप इसे नेक बैंड को यूज करते हैं और कॉल करते हैं किसी को तो माइक की क्वालिटी आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। सो फाइनली बात करते हैं आपको इन दोनों में से कौन सा कंसिडर करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो बिल्ड और कंफर्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा, तो बिल्ड क्वालिटी में एक्चुअली आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस बोट रॉकर्स 335 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज़ में यहाँ पे पूरा ख्याल रखा गया है बिल्ड क्वालिटी में, तो यहाँ पे मैं पूरा नंबर इस बोट रॉकर्स 335 के लिए दूंगा। लेकिन रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो के बारे में बताऊँ तो ये जो प्राइस के साथ आते हैं उसके हिसाब से इसका जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मुझे इतना खास नहीं लगा, ये और भी बेहतर हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा इसके जो कंफर्ट के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा
कंफर्टेबल ये मुझे रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो के लगे। इस बोट रॉकर्स के जो जो कंफर्ट है ये बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बेटर कंफर्टेबल लगा था। और अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो म्यूजिक क्वालिटी, तो म्यूजिक क्वालिटी एक्चुअली आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है इस रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो में। यहाँ पे सारा चीज़ आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल जो सेपरेशन है आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर ट्यून किया गया है, जिसके वजह से बेस ट्रेबल और वोकल्स जो भी हो आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा सा एक्चुअली बेस के साइड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, म्यूजिक क्वालिटी इस पर भी आपको बेहतर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बेस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं अगर मैं बताऊँगा इसके जो कॉलिंग के रिलेटेड, इस रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो में एक्चुअली आपको एनवायरमेंट नॉइज कैंसलेशन का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड का नॉइज थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो वॉइस की क्लैरिटी है वो यहाँ पे बोट रॉकर्स 335 में मुझे थोड़ा सा बेटर लगा। तो ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर अगर मीटिंग के लिए यहाँ पे मैं बोलूँगा दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये मुझे हल्का सा बेटर लगा है। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे सुपर लो लेटेंसी मोड का यूज़ किया गया 88 मिलीसेकंड का, वो एक्चुअली में काम करते हैं। तो अगर आपको गेमिंग नेकबैंड चाहिए बजट में तो यहाँ पे ये एक आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे इस बोट रॉकर्स 335 में इतना और जो ऑडियो वीडियो का जो लेटेंसी रहता है वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिले देखने को मिलेगा काफ़ी सारा, तो यहाँ पे मैं गेमिंग के लिए ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर बोट रॉकर्स 335 को अगर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छा चाहिए, म्यूजिक अच्छा चाहिए और यहाँ पे आपको कॉलिंग भी प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे इसको आपको कंसिडर करना चाहिए। और ये जो रियलमी बर्ड वायरलेस 2 नियो है, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी इतना कंसर्न नहीं है, म्यूजिक और जो कॉलिंग और आपको गेमिंग भी अच्छा चाहिए बजट में, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा आप इसके लिए जा सकते हैं। और भी कुछ कन्फ्यूजन हो अगर आपको इन दोनों के बीच में, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके DM कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूँगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम में चैनल है, जहाँ पे हम यूजफुल प्रोडक्ट के लिंक डालते रहते हैं, हो सकता है आपके लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट वहाँ पे भी अवेलेबल मिले। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने का शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।